हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्टूडियो। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई बेहतरीन जानकारी। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोते समय उनके साथ ऐसा होता है कि उनके मुंह से लार बहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी को यही बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या मुँह से लार बहना सोते समय नॉर्मल बात होती है या फिर यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको ढेर सारी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह जो आपके साथ कंडीशन हो रही है कि आप सोते समय आपके मुंह से लार आ रही है, तो यह एक कारण होता है साइनस इन्फेक्शन का। अगर किसी व्यक्ति को सोते समय मुंह से लार बनती है तो उससे साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि साइनस इन्फेक्शन होने के कारण रात को सोते समय सांस लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण मुँह में लार जमा होने लगती है और यह लार मुँह से बाहर बहने लगती है। इस समस्या को बिल्कुल नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ यह कंडीशन हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा रीज़न होता है, दूसरा जो समस्या होती है वह होता है एलर्जी। यदि किसी व्यक्ति को सोते समय मुंह से लार बहती है तो यह एक एलर्जी भी हो सकता है, उस व्यक्ति को एलर्जी की बीमारी है। कभी कभी इंसान के एक्सोक्राइन ग्रंथि में एलर्जी की उत्पन्न होने की वजह से यह समस्या हो जाती है, जिसके कारण रात को सोते समय उनके मुंह से लार बहने लगती है। इस बीमारी को की होने पर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और यह बीमारी जो होती है वह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। देन इसके बाद जो तीसरा कारण होता है या जो तीसरी समस्या होती है यदि आपके मुँह से लार बह रही है तो वह होती है एसिडिटी। अगर किसी व्यक्ति को सोते समय मुँह से लार बहती है तो यह एसिडिटी बीमारी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के शरीर में एसिडिटी की बीमारी होती है तब सोते समय उसके मुंह में बहुत सारी लार बनती है, जिसकी वजह से कई बार वह मुंह से बाहर भी आने लगती है, तो यह उस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इसके बाद जो चौथा इसका रीज़न होता है वह होता है टॉन्सिलाइटिस का। सोते वक्त मुंह से लार बहना टॉन्सिलाइटिस बीमारी का संकेत हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर में टॉन्सिलाइटिस की बीमारी हो जाती है तब उसके शरीर में टॉन्सिल्स ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसके कारण रात के सोते समय मुंह से लार निकलने की समस्या होती है। इस बीमारी के होने के कारण लोगों के गले में खराश की समस्या भी बनी रहती है, इसलिए यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो कि होते हैं आपके मुंह से लार बहने के। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।